तुमने मार दिया इसे, मर गई, ये मर चुकी है। मैंने क्या किया है? तुमने कत्ल किया है। ये इसकी जिद की वजह से हुआ है। तुम तो यही मौजूद थी ना, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है, ये एक हादसा है। तुमने मार दिया इसे। ये सिर्फ एक हादसा है, हादसा। हादसा, ठीक है, हादसा है। हम सबको यही बताएंगे बिल्कुल कि ये यहाँ मेलिसा को लेने आई थी, ये फिसल गई और इसके सर पर चोट लग गई, कह देंगे। किसको कहोगी तुम ये? पुलिस को। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, जाहिल औरत, पुलिस को नहीं डाल सकते हम इसमें, किसी को नहीं बता सकते इस बारे में, हम जेल नहीं जा सकते। मैं जेल क्यों जाऊंगी? मैंने इसे नहीं मारा, तुमने मारा है इसे। हाजिर, देखना बंद करो तुम, लोग शोर सुनकर आ जाएंगे यहाँ। बात सुनो, मेरे साथ तुम भी फंसोगी, मैं कहूंगा हमने साथ मंसूबा बनाया था। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मारा है इसे, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। बात सुनो मेरी, या तो हम दोनों ये गन साफ करेंगे या हम दोनों ही फंसेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम? तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये मर चुकी है, देखो ये एक लाश है, लाश। तुमने मेरी नहीं सुनी और मार दिया इसे। लाश, जाहिर है लाश ही नहीं होगी तो यानी कत्ल भी नहीं हुआ। तुम्हारे पापा इस तस्वीर में कितने जवान लग रहे हैं, और माहिन और आंटी भी। देखो ना दोनों साथ में कितने खुश और कितने अच्छे लग रहे हैं। कितना अजीब लगता है ना देखकर कि आज के बड़े कभी बच्चे और जवान हुआ करते थे। हम भी बड़े और बूढ़े हो जाएंगे, तब के बच्चों को कभी यकीन नहीं आएगा कि हम भी कभी बच्चे थे। लेकिन ये तस्वीर क्यों फाड़ी होगी? पता नहीं, पता नहीं इनके दरमियान क्या हुआ होगा। शायद एक दूसरे को पसंद करते थे या एक दूसरे के लिए दीवाने होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि बाबा अम्मी को पसंद करते थे। ठीक है, हो सकता है तुम्हें कुछ बताया नहीं हो, या वो सिर्फ। सिर्फ क्या, तुम्हारा सब जानना जरूरी है? हर चीज तुम्हारी सोच जैसी नहीं होती या जैसा तुम बना देती हो। मैं क्या बना रही हूँ? हर चीज, तुम सब कुछ वैसा ही देखती हो जैसा तुम चाहती हो। तुम पत्थरों के भी नाम रखती हो, लेकिन वो सिर्फ पत्थर है, पत्थर। लेकिन क्या हो रहा है? पढ़ाई खत्म हो गई? जी खत्म हो गई। खत्म हो गई, वो भी इतनी जल्दी? मैं तुम लोगों के लिए फल ला रहा था। जी जल्दी खत्म हो गई, मेलिसा को कहीं जाना है। वो तो ठीक है, पहले सेब या कीवी खा लो फिर चले जाना। नहीं, मैं चलती हूँ अब, क्योंकि माहिन और आंटी से मैंने थोड़ी देर के लिए इजाजत ली थी। लेकिन बेटी, फल खाने में कितना वक्त लगता है? मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। मुझे पैदल जाना है, सेहत अच्छी होती है, और मुझे होमवर्क के बारे में भी कुछ सोचना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल मिलते हैं गोरके। मैं गाड़ी लेकर आता हूं। तुमसे कह रहा हूं। क्या? मैंने कहा मैं गाड़ी लेकर आता हूं, यहीं रहना, इस रस्सी से इसे बांधो। इसको अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाजिम, खुदा के लिए मुझे इसके साथ अकेला मत छोड़ो। ये लाश है, मत डरो, तुम्हारा गला थोड़ी पकड़ लेगी। मैं बस जाकर गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, अकेले छोड़ के मत जाओ हाजिम। बिस्मा, खामोश हो जाओ, यकीन करो वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, यहीं पर रहना।
लग रहा था कि मैंने उसे गुस्सा दिला दिया। या अल्लाह, मर्दों को समझना इतना मुश्किल क्यों होता है? मतलब तस्वीर में भी तो साफ साफ दिख रहा है ये दोनों जवानी में खुश थे। अगर कोई मसला नहीं हुआ था तो उस तस्वीर के दो हिस्से क्यों हुए थे? जैसे किसी ने एक तरफ से फाड़ कर तस्वीर दी है, जैसे प्यार करने वाले करते हैं। हाय, मैं कितनी पागल हूँ ना? गौर कैम, को लगता है कि उसके पापा उसकी अम्मी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन लगता है जुनेद अंकल दोनों से प्यार करते थे। यानी वो गौरकेम की अम्मी से प्यार करते होंगे, लेकिन असल में माहिनूर आंटी के पीछे थे। मैं ये सब कुछ जानना चाहूंगी। पता नहीं, लेकिन गौरकेम सोचे समझे बगैर खुद कर्ज बन रहा है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। यानी अगर वो आज भी एक दूसरे को चाहते हैं और अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनके साथ ज्यादती हुई ना। मुझे ये गुत्थी सुलझानी होगी और उन्हें एक मौका देना होगा। शायद क्या पता मैं इस कहानी का क्यूपिड मैं ही हूँ और वो दोनों मेरे ही तीरों का इंतजार कर रहे हूँ। कुछ ना कुछ तो करना होगा, वो भी मुझे ही करना होगा। हम उन्हें कायल कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैथिन, कैसे करेंगे हम ये? कह देंगे हम एलिसा को नहीं दे सकते। हम कहेंगे वो हमारी बेटी है। हम कह चुके हैं। तुमने सुना था उस औरत को? उसने कहा कि वो उसे एक मुकम्मल खानदान देना चाहती है जिसके साथ हमारी बच्ची हमेशा रहे। हाँ, जैसे हम मुकम्मल नहीं है। शायद कानून की नजर में हम एक मुकम्मल खानदान नहीं है मैथिन। सैरमिन समझदार औरत है, अगर हम उससे बात करें तो हम उसे समझा सकते हैं। क्या मेलिसा की फिक्र नहीं है उसको? वो जहां जाएगी वहां उसके साथ नए लोग मौजूद होंगे, नए माहौल में मुश्किल होगी उसको और हमें भी। सही कहा ना, मुझे उसकी इतनी आदत हो गई है, ऐसा लगता है कि जैसे वो काफी अरसे से हमारे साथ रह रही है। तुम फोन कर रही हो उससे अब तुम्हारा कभी रब्ता नहीं हो सकता माहिनी। उठा नहीं रही वो। दोबारा करके देखो। बस मैथिन ठीक है ना, वो खुद देखकर हमसे रब्ता कर लेगी। क्या पता मसरूफ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम करती रहो वरना मैं खुद करता रहूंगा। ठीक है, करती हूँ, लेकिन 3-4 बार कोशिश करके मैं रख दूंगी। फोन बंद है। कुछ तो है, मुझे यकीन है कोई गड़बड़ है। अब तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमसे बात नहीं करना चाहती वो। पागल नहीं बनो मैथिन, शायद फोन चार्ज ना हो, ये भी तो हो सकता है। ये तो और बुरा है। हाँ मैथिन, ये तो बहुत बुरा है। बस कर दो मैथिन तुम, हमने कोशिश कर तो ली। जब उसके पास वक्त होगा तो वो खुद ही रब्ता कर लेगी। अब काम करते हैं, सही है?
चलो। अस्तबल नहीं है, तुम लोग क्यों चीख रहे हो? गलती हो गई तुमसे, एक काम क्या दिया? तुम देखती रही कि ये बच्चे हरगिज मेरी बात नहीं मानते। ये क्यों रो रहा है? शोर से उठ गया होगा। जाओ इन दोनों को भी ले जाओ, पड़ोस पर छोड़ दो या कहीं पर भी फेंक दो, इसे हटाना है यहाँ से। ये लो मेरे जवान शेर। मुझे ये नहीं पीना, मैं बच्चा नहीं हूं। ये सिर्फ दूध नहीं, शहद भी है इसमें, जल्दी से पी लो, नखरे नहीं करो। मेलिसा के साथ क्या हुआ, लड़ाई हो गई क्या? नहीं। ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, फिर वो ऐसे गई जैसे यहां से भागना चाहती हो, तुमने उसका दिल दुखाया। नहीं बाबा, ये पूछना बंद करें, ये मेरी और उसकी बात है, आपके से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें क्या हो गया बेटा, तुमने कब से अपना कोई दोस्त नहीं बनाया? मेलिसा के आने से पहले तुम अकेले थे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दोस्ती खराब हो। शायद मुझे अकेला रहना चाहिए, शायद दोस्ती मुझसे निभाई नहीं जाती। ऐसे मत कहो, तुम एक बहुत बड़े दिल के मालिक हो, बहुत अच्छे लड़के हो, बस तुम जैसे खुद को जाहिर करते हो, मतलब कैसे समझाऊं, कभी कभार तुम दिल दुखा देते हो। तो बेहतर है कि दिल टूटने से पहले आप यहां से चले जाएं। प्लीज ठीक है, तुम पढ़ाई करो। होमवर्क जल्दी खत्म हो गया था तो फोन कर देती, मैं लेने आ जाता। जुनेद अंकल ने भी यही कहा था, लेकिन मैं पैदल चलना चाहती थी क्योंकि पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं
मेलिसा। जी बोलिए। तुम यहां सब्सवादी में खुश तो हो ना? ये कैसा सवाल है मैत्री अंकल? यानी जन्नत में किसी से ये नहीं पूछते कि तुम खुश हो और ये मेरे लिए जन्नत है? नहीं पूछ सकते क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम खुश नहीं तो इसका मतलब हम जन्नत में नहीं हैं। जन्नत में सिर्फ खुशियां ही मिलती हैं। और आपने ये सवाल अचानक क्यों किया? अच्छा तो आज के लिए बहुत बातें हो गई, अब आराम करना चाहिए। सुबह करने के लिए बहुत काम है मैथिन, मेलिसा को स्कूल जाना है। चलो उठो, सोने जाओ सब। धक्का दो इसे, बिस्मा, बिस्मा धक्का दो इसे, धक्का दो इसे, मैं तुमसे कह रहा हूं बिस्मा। चलो। कहाँ? बैठो। कहाँ? गाड़ी में बिस्मा, और कहाँ बैठोगी? मैं नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी मैं। हम गलती कर रहे हैं बिस्मा। देखो मुझे गुस्सा मत दिला दो, मैं बैठने का कह रहा हूँ, लोग देख लेंगे। हमने साथ शुरू किया था और साथ ही खत्म करेंगे। बात करनी चाहिए माहिनूर। तुम गलत हो, हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां कोई हम नहीं है। कम से कम कोई माहिनूर नहीं जो बात करना चाहती हो। माफ कर दो, मैं कह रहा हूं तुमसे, मुझे माफ कर दो। और क्या सुनना चाहती हो? और क्या कहूं मैं तुमसे? आखिर तुम मुझे इस तरह सजा क्यों दे रही हो? तुम्हें लगता है मैं सजा दे रही हूं या सजा देना चाहती हूं और इसलिए ये सब कर रही हूं? हाँ, उफ, इतनी उम्र गुजार कर भी तुम अभी तक वही एक नादान बच्चे हो। अफसोस कि तुमने वक्त जाया ही किया। ठीक कहा, मैं एक नादान बच्चा ही हूं, और आज भी मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता या करना नहीं चाहती? तुम पागल हो गए हो। अफसोस, इतना वक्त गुजर गया, लेकिन तुम आज भी वैसे ही जिद्दी मगरूर बच्ची हो। इतनी मगरूर के तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
हमें कितनी दूर जाना है? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? खुद देख लो बाहर, समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें? नहीं हाजिम, ये सड़क कहाँ जाती है? मेलिसा के लिए इसके दिल में बड़ी मोहब्बत थी, तो अब ये उसी के पास सुकून से रहेगी। क्या कह रहे हो? हाँ, सब्जवादी जा रहे हैं हम लोग। क्या होश में तो हो तुम? अगर किसी ने देख लिया तो फिर? हाजिम, अपने साथ साथ तुम मुझे भी फंसा दोगे, किसी और जगह चलो। चुप हो जाओ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, समझी? उन्होंने हमसे मेलिसा को लेने के लिए बहुत कोशिश की, और अगर कभी ये मामला बढ़ता है तो लाश उन्हीं की तरफ से निकलेगी। इस तरह हम पर किसी को शक नहीं होगा, समझ गई? कहानी होगी कि सैमन ने उन्हें मेलिसा को नहीं दिया, इसलिए उन बहन भाई ने इसे मार दिया और फिर यहाँ दफना दिया। मैंने पूरा मंसूबा बना लिया है, अब तुम डरो नहीं, बस देखती जाओ मैं उन बहन भाई को किस तरह फंसाता हूँ इसमें। मैंने सैरमिन का सामान भी झील की तह में फेंक दिया है। तो तुम उनको फंसा दोगे? सुनो, हम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं काट सकते पागल औरत। मैं जो कर रहा हूँ उसे एहतियात कहते हैं। अगर ये कत्ल सामने आ गया तो हम पर बात नहीं आएगी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुझे पागल समझना बंद करो और खुद को संभालो। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बस परेशान मत करो।